हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट अफेयर। आज आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है, सेंटर पे हम मौजूद है। कैंडिडेट सेंटर से बाहर निकलेंगे, उनसे हम सवाल पूछेंगे, किस तरह से सवाल उनसे पूछे गए हैं। आपने कितने अटेम्प्ट किए? 73। आप बता सकते हैं कि हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? अच्छा था, मीडियम। बताएंगे एंशियंट हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से या फिर मेडिवल से आए थे क्वेश्चन ज़्यादा? हिस्ट्री से कम, एक दो आया था, नहीं क्वेश्चन नहीं था। रीजनिंग से कैसे सवाल पूछे गए हैं? रीजनिंग से पजल पूछा गया था, फिर कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया था, यूवी से मीडियम था सब, नंबर ऑफ सीरीज पूछा गया था। अच्छा, आप बताएंगे आपने कितने अटेम्प्ट किए? 78 है। हाँ, करंट अफेयर में ना तो 2021 का था फरवरी का क्वेश्चन, तो ये थोड़ा, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि 2021 का करंट अफेयर पूछेगा, बट वो पूछा था, ये सबसे अच्छा चीज़ था। स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन था क्या? हाँ, स्पोर्ट्स से था ना, कि मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला है, इंग्लैंड और भारत का मैच हुआ था इस बीच में, वो था क्वेश्चन, जो जैसे कि क्रिकेट वाला भी पूछ दिया था। अच्छा अच्छा क्वेश्चन था। और अच्छा बताएंगे कि इस पे जैसे कॉमनवेल्थ वगैरह या फिर ओलंपियाड से कोई क्वेश्चन? नहीं, उसका कोई क्वेश्चन नहीं था। कंप्यूटर साइंस से क्या क्वेश्चन थे? कंप्यूटर साइंस से था कि मतलब नेटवर्क जो फैलाते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह, तो वो किस मीडियम से फैलाते हैं, मतलब किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, बस ये क्वेश्चन था। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से सवाल थे क्या? संविधान से, दो संविधान से था, जो मतलब ध्यान नहीं है। अच्छा, आर्टिकल दिए हुए थे उसमें? आर्टिकल नहीं था, वो मतलब दे दिया था फंडामेंटल राइट से था, लेकिन आर्टिकल से जुड़ा नहीं था, जो कौन, जैसे मतलब अध्यक्ष कौन होगा, फर्स्ट बार जो लोकसभा का बैठक होता है तो उसमें अध्यक्ष कौन होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन था क्या? एक भी क्वेश्चन उसे नहीं था, एक बायोलॉजी से क्वेश्चन था और फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन एक भी पीस नहीं था। ज्योग्राफी से कोई सवाल? ज्योग्राफी, हाँ, दो तीन ज्योग्राफी से था, इंडियंस। अच्छा, नदी वगैरह करके कोई सवाल था क्या? नदी से था, मतलब यमुना वाला नदी से एक रिलेट किया था। कौन कौन सा नदी मिलता है कहाँ पे? नया नदी इस पर बांध जो बन रहा है, यमुना नदी पर कौन सा एक बांध बन रहा है, वही इसी के बारे में था। कंफर्म नहीं है कौन सा मतलब बांध था। मैथ से कैसा क्वेश्चन था? मैथ से दो चार सवाल थोड़ा टॉप था और सब ठीक था। अच्छा, परसेंटेज से क्वेश्चन थे? परसेंटेज से नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज से दो था सिंपल, और चक्रवृद्धि परसेंटेज तो उसी में आ जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज में, तो उसी से कन्वर्ट कर देते थे। मीन मीडियन से कोई सवाल था क्या? क्या मीन मीडियन से सवाल? नहीं नहीं। अच्छा, लघुतम महत्तम वाला से कोई सवाल था क्या? उससे पाँच को छः को सवाल था। अच्छा, लघुतम महत्तम से कैसे क्वेश्चन थे? और क्वेश्चन बिल्कुल हल्का था। रीजनिंग में कैसे सवाल थे? रीजनिंग में मतलब एक ब्लड रिलेशन से था, और मतलब अथी नहीं था, संग्रहीय कथन निष्कर्ष वाले सवाल। हाँ, जो कुर्सी मेज है, मेज कुर्सी है, वैसे घुमाया था अध्यापक को, शिक्षक को, शिक्षक को, फिर माता पिता में, ऐसे घुमाया था उसको। अच्छा, बताएंगे कि इसमें आपका कोई सिविक्स या फिर इकोनॉमिक्स से कोई सवाल था क्या? इकोनॉमिक्स से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में तो इकोनॉमिक्स से नहीं था, लगभग एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर था, जो मतलब अध्यक्ष कौन किया था, एगो मतलब नरेंद्र मोदी उसमें था अध्यक्ष, एगो यूएनओ का कोनो अध्यक्ष हुआ था उसके मिलन में। योजना करके कोई सवाल था क्या? योजना, प्रधानमंत्री के द्वारा कोई योजना चलाया जाता उससे? एक योजना था जो मतलब बल उज्ज्वला, जो मतलब घर योजना है ना, मतलब स्वच्छ उजाला योजना टाइप से एगो वो था। अच्छा, आप बताएंगे कि आपको योजना के बारे में कुछ सवाल? जी सर, योजना मतलब बताया, उज्ज्वल योजना, जनधन योजना के बारे में पूछा था, दो ठो योजना था। अच्छा, बताएंगे एग्रीकल्चर से कोई सवाल था क्या? कृषि से नहीं, फुल फॉर्म वगैरह पूछे गए थे क्या? जी, एक दो, एक था सर। अच्छा, बैंकिंग को लेकर के कुछ सवाल था क्या, कि किसका एस्टैब्लिश कहाँ हुआ, आरबीआई क्या वगैरह, ये सब? सब कुछ नहीं था। ये फुल फॉर्म था डब्ल्यूएचओ वगैरह जैसे करके? नहीं, सब कुछ नहीं था। अच्छा, बता सकते हैं कि इसका जो क्वेश्चन है, मतलब कि हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंशियंट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर मेडिवल या फिर मीडियम? बताएंगे महाराजा करके कोई सवाल था क्या, रूलर एम्पायर से कोई सवाल? अशोक का शिलालेख से एक था, सबसे बड़ा शिलालेख। आप बताएंगे इधर कि मैथमेटिक्स से कैसे सवाल थे, अलजेब्रा से सवाल थे क्या? हाँ, अलजेब्रा से था, ये एलसीएम एससीएफ से तीन सवाल था। और परसेंटेज से सवाल थे? नहीं, परसेंटेज से तो नहीं था। अच्छा, बताएंगे कि इसमें पजल या फिर सर्कल वगैरह या ट्रायंगल एंगल से कोई सवाल? पजल से था और रिलेशन से था, ब्लड रिलेशन से भी था। हाँ, और कोडिंग ऑल ओवर जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन के सेट थे कैसे थे, मतलब लेंदी था, टाइम टेकन था या फिर इजी थे? हाँ, पर कर सकते थे, ऐसा था, टाइम टेकन था और मैथ का इजी था। ज़्यादा क्वेश्चन किससे लगा आपको? नहीं, रीडिंग्स में कोडिंग डिकोडिंग से था, तीन चार क्वेश्चन। कितने अटेम्प्ट किए? 75। अच्छा, बता सकते हैं करेंट अफेयर से बेसिकली कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे?
पूछा हुआ था, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा हुआ था। किस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन थे? ये तो आपका करंट ईयर से। और ये 2021 से कोई सवाल था? कोविड वाले कोई क्वेश्चन थे क्या? नहीं, कोविड वाले नहीं थे, नहीं। आप अपने तरफ से कोई, अगर बोलेंगे कि रेटिंग करना है अगर इस पीएस का, मतलब कि इस क्वेश्चन के सेट का, तो आप कैसे करेंगे? मतलब कि इजी था, टफ था, लेंदी कैसे था? इजी था। ज़्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए थे? सब्जेक्ट तो ऐसा कोई कुछ ऐसा नहीं था, सबसे मिला के था। अच्छा, साइंस से क्वेश्चन थे क्या या फिजिक्स वगैरह से, ऐसा यूनिट करके ऐसे कुछ? नहीं, फिजिक्स वगैरह ऐसा नहीं था। केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन? नहीं, केमिस्ट्री का भी नहीं था। अच्छा, इसे पॉलिटी से कोई क्वेश्चन था क्या? पॉलिटिकल्स था एक दो। धन्यवाद। इसी तरह के एग्जाम रिव्यूज और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिला करे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।